हरियाणा के तीन मंत्रियों का दिल्ली में डेरा, 2 से 3 दिन में होगा विभागों का बंटवारा। सीएम सैनी कानून मंत्री से मिले, गृह वित्त अपने पास रख सकते हैं। एक्शन मोड में सीएम सैनी, चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा की, समाधान शिविर शुरू करने के लिए निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बच्चे को भेजा प्रशंसा पत्र, पत्र में बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना, प्रशंसा पत्र मिलने से बच्चे और उसके पूरे परिवार में खुशी की लहर। मन पुलकित हो रहा है कि जैसे सेना की बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ये देवी देवताओं का तो बनाता ही है, साथ में एलिफेंट भी बनाया इसने, घोड़े का भी बनाया इसने, विराट कोहली का भी बना है, केजीएफ का भी बना ना, केदारनाथ मंदिर भी इसने बनाया है, हनुमान जी भी बनाए हैं, शिव हाँ वे राम सीता भी बनाए, बहुत सारे। और जैसे ना डीएपी खाद के इंतजार में बीत रही किसानों की रात, दादरी के खाद बिक्री केंद्र पर रात के अंधेरे में करते रहे किसान इंतजार, खाद न मिलने से किसान नाराज दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी समस्या है, अब बात है बिजाई का समय, सरसों की बिजाई का समय काफी लेट हो जा रहा है, तो इसलिए किसान बड़ा बात है खाद को लेकर बड़ा बात है चिंतित और परेशान है। किसान पैसे देकर जब बात है खाद ले रहा है, वो समय पर उसको खाद नहीं मिल रही तो बड़ा परेशान है। तो देखो कि इतने किसान बातें है इस खाद को लेने के लिए, यहाँ एकजुट हो रहे हैं और देर शाम जब उनका अपना घरेलू कार्य उसको छोड़ के। किसानों को डीएपी खाद न मिलने पर बोले बिक्री केंद्र प्रबंधक का ट्रक अनलोड नहीं हो पाने के चलते खाद का नहीं हुआ वितरण, सोमवार को डीएपी का वितरण किया जाएगा। अम्बाला में आरएसएस का हुआ पथ संचलन, सभी सदस्यों ने शक्ति और शस्त्रों की पूजा की, पूरे शहर में किया संचलन, अनिल विज ने कार्यक्रम में की शिरकत। संचलन निकालते हैं जिसको हम रूट मार्च भी कहते हैं, जिसमें कि स्वयंसेवकों के अनुशासन का, उनकी कर्तव्य प्रायणता का और दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन होता है कि कैसे छोटे छोटे बालक बिल्कुल एक पंक्ति के अंदर सीधे होकर चलते हैं। आरएसएस सदस्यों ने कार्यक्रम की जानकारी का, यह कार्यक्रम सामान्यतः विजयदशमी को रहता है क्योंकि आरएसएस की स्थापना साल 1925 में दशहरे के दिन हुई थी। विजयदशमी पे रहता है, हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापना सन 1925 में दशहरे के दिन हुई थी, तो उसी निमित्त जो है प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। तो यह उत्सव इस बार जो हमने 20 तारीख आज जो है मनाया है और इसमें हमारे घोष का प्रदर्शन रहता है। एक्शन मोड में आए निखिल मदान, फील्ड में उतर कर विकास कार्यों का किया शुभारंभ, कहा अगले सप्ताह से शहर के हर वार्ड में शुरू होंगे विकास के काम। कुछ गलियों में हमारी अभी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन रह गई थी और कुछ गलियां जो पुरानी थी जिनके अंदर सीसी से पक्का करवाना था, आज ये 68 लाख की लागत से ये काम स्टार्ट हुआ है। इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन गलियों के अंदर और सीसी की कुछ गलियां हमारी पक्की होंगी आज। सोनीपत की जनता से किए गए वादे निभा रहे निखिल मदान, कहा नॉन स्टॉप हरियाणा की तरह सोनीपत भी नॉन स्टॉप विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। हम इनको दिवाली तक पूरा करेंगे, फिर 2-3 काम ऐसे हैं जो आज यहाँ पर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ जो समस्या आती है इनसे दूर। और सोनीपत पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी के साथ हुई बैठक, बाजार में वाहनों की एंट्री को किया गया बंद, बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस को तैनात किया गया। बैरिकेडिंग थी, ये मेरे माता जी है जिनके पैर में स्वेलिंग थी और मैं व्हीकल से आ रहा था, 2 व्हीकल से, जो मुझे अंदर नहीं आने दिया, साफ मना कर दिया, हाथ हिला दिया, अंदर नो एंट्री है, कोई एंट्री नहीं है, अब बताओ मैं माता जी के साथ 2 व्हीलर पे कैसे अंदर आऊंगा। प्रशासन के फैसले से दुकानदार परेशान, आदेश को बता रहे नुकसानदायक, कहा मार्केट पर पैदल आने में हो रही परेशानी, दुकानदारी पर पड़ रहा असर। बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि स्कूटी बाइक जो भी फैमिली है जैसे भी है तो दिक्कत होती है उनके लिए। सुरेश गोत ने किया अम्बाला अनाज मंडी का दौरा, धान के उठान को लेकर मुख्यमंत्री से उचित प्रबंध की मांग की, पराली जलाए जाने पर बने कानून पर भी किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही।